अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, 10 मरला हाउस फॉर सेल, जिसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में आप दोस्तों को हम दे देंगे। डिमांड इसकी क्या है, यहाँ पे जो भी फीचर इंस्टॉल हुए हैं वो किस कंपनी के हुए हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आप जाके देख सकते हैं हमारे चैनल के जो जहाँ पे वीडियो पोस्ट करेंगे डिस्क्रिप्शन में। तो मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे जो आप ये दोस्तों स्ट्रीट देख रहे हैं, 40 फीट की स्ट्रीट है। अगर हम कार रैंप की बात करें तो यहाँ पे आपको कार रैंप जो मिलता है, तकरीबन यहाँ पे आप एक गाड़ी आसानी से खड़ी कर सकते हैं। इस साइड पे अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पे गार्डन आप रेडी कर सकते हैं। गार्डन अभी यहाँ पे, मतलब क्योंकि अभी न्यू ये हाउस कंस्ट्रक्शन हुई है इसकी, तो अभी होने वाला है। साथ ही यहाँ पर आप इसका गेट देख सकते हैं। गेट की अगर हम बात करें तो स्लाइडिंग गेट दिया गया है। जो ही हम इंटर होते हैं कार पोर्च में, तो कार पोर्च में यहाँ पे आसानी से आप दो गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं। अगर हम इसके फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो फ्रंट एलिवेशन में टोटल वेदर शीट यूज़ की गई है। कौन सी वेदर शीट यूज़ की गई है वो डिस्क्रिप्शन में हम आप दोस्तों को बता देंगे। और अभी मैं आपको ले चलता हूँ इसके गैलरी में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये गैलरी में भी मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे भी अच्छी टाइल यूज़ की गई है। कौन सी टाइल यूज़ की गई, ये सारे हम आपको डिस्क्रिप्शन में बता देंगे। इस साइड पे मैं आता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सामने आपको इसका लॉन्ड्री का एरिया मिल जाता है। यहाँ पे पाउडर रूम बनाना चाहें तो ये सामने वाला जो डोर है, यहाँ पर आप इसे पाउडर रूम बना सकते हैं। साथ ही अभी मैं आपको ले चलता हूँ हाउस के अंदर। डिमांड की बात करें तो डिस्क्रिप्शन में आप जाके हमारी इसकी डिमांड देख सकते हैं। यहाँ पे आप इसका बाहर कार पोर्च का एरिया देख रहे हैं। कार पोर्च आसानी से दो गाड़ियाँ आप यहाँ पे खड़ी कर सकते हैं। इस साइड पे अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पे सामने आपको दो डोर मिल जाते हैं, ड्राइंग रूम का एक डोर और एक इंट्रेंस का डोर। अगर हम डोर की बात करते हैं, सोलर डोर यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं। इंटर होते ही मेरे यहाँ पे सामने आपको इसके स्टेयर्स ऊपर फर्स्ट फ्लोर के लिए मिल जाते हैं। अगर हम स्टेयर्स की बात करें तो काफ़ी अच्छी, मतलब यहाँ पे स्टेप दिए गए हैं। यहाँ पे सामने आपको, यहाँ पे आप ऊपर मिरर वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं। इस साइड पे आपको नीचे इसकी स्टोर मिल जाता है स्टेयर्स के नीचे। इस साइड पर अभी मैं आपको इसकी टीवी लॉन्ज में ले चलता हूँ। मैं आप दोस्तों को बताता चलूँ कि टीवी लॉन्च में यहाँ पे इसलिए शैंडिलियर फैन इंस्टॉल नहीं किए गए कि कुछ दोस्त अपनी मर्जी से अगर कोई करवाना चाहेगा तो उन्हें हम करके दे देंगे। यहाँ पे सामने टीवी लॉन्च आप देख रहे होंगे, ऊपर से शीट भी अभी इससे नहीं उतारी गई। तो यहाँ पे जो शीट यूज़ की गई है वो भी आप डिस्क्रिप्शन में जा कर हम आप दोस्तों को बता देंगे कौन सी कंपनी की। और हाई ग्लास यहाँ पे ये शीट यूज़ की गई है, डिस्क्रिप्शन में भी आप दोस्तों को बता देंगे। साथ ही यहाँ पे आपको इसका ड्राइंग रूम मिलता है। ड्राइंग रूम में आप दोस्त इस तरह कर सकते हैं, अगर कोई इसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने वॉल करना चाहे तो वॉल भी लगा सकते हैं। और साथ आपको दो विंडो यहाँ पर इंस्टॉल मिल जाती है। इस साइड पर ऊपर लाइट्स और फैन इंस्टॉल नहीं किए गए, सामने आपको इसका डोर मिल जाता है। इस साइड पर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर इसका किचन मिल जाता है। किचन की बात करें तो किचन की स्पेस स्टैंडर्ड डायमेंशन के साथ दी गई है। सामने आपको यहाँ पे बिग साइज विंडो इंस्टॉल मिल जाती है। इस साइड पे गैलरी का आपको डोर मिल जाता है। व्यूअर्स, यहाँ पे ये जो आप दोस्त देख रहे होंगे, यहाँ पे ये जो इंस्टॉल की गई है, ये आपके बंद देख रहे हैं, अच्छी वाली यूज़ की गई। यहाँ पर हाई ग्लास शीट का यूज़ किया गया है। और यहाँ पे किचन में कोई दोस्त अपनी मर्जी का काम करवाना चाहे तो वो करवा सकता है, लेकिन मैं आप दोस्तों को बताता चलूँ कि यहाँ पे जो इसका बजट रखा गया है, अगर कोई इसका अलग से काम करवाएगा तो उसकी डिमांड इसकी बढ़ जाएगी। तो व्यूअर, साथ इसका एक बेडरूम आ जाता है। जो ही मैं बेडरूम में इंटर होता हूँ, सामने आपको बिग साइज इसकी विंडो इंस्टॉल मिलती है। ऊपर फैन इंस्टॉल करने वाले हैं खूबसूरत सीलिंग के साथ। यहाँ पे आपको फुल हाइटेड कबर्ड्स मिल जाती हैं, अच्छी शीट यूज़ की गई है। डिस्क्रिप्शन में ये भी हम चीज़ें दे देंगे। साथ ही इस साइड पे आपको इसका वॉशरूम का एरिया मिल जाता है। तो व्यूअर्स, वॉशरूम की बात करें तो वॉशरूम में भी आप अपनी मर्जी से काम करवा सकते हैं। स्पेस की बात करें तो बहुत अच्छी स्पेस दी गई है, किसी भी कंपनी की यहाँ पे कमोड या कोई भी जो भी फीचर वॉशरूम में इंस्टॉल होते हैं वो आपकी मर्जी से
करवा सकते हैं। स्पेस की बात करें तो स्पेस यहाँ पे काफ़ी दी गई है। तो साथ ही व्यूअर्स, इसके सेकंड बेडरूम की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ। टोटल 5 बेडरूम है इसमें। इस साइड पे आपको इसका बेडरूम, सेकंड बेडरूम इंटर होते ही आपको बिग साइज इंस्टॉल मिल जाती है विंडो। इस साइड पे आपको फुल हाइटेड कबर्ड्स इंस्टॉल मिलती हैं। और शीट की बात करें तो अच्छी शीट यहाँ पे इंस्टॉल की गई है। इसके ऊपर आप देख रहे होंगे अभी पेपर लगा है, पेपर अभी उतारा नहीं है। मतलब पेपर उतार देते हैं तो लोग मतलब जब विज़िट करते हैं तो ये ख़राब होती हैं। अगर हम डोर की बात करें, ये सामने आप डोर देख रहे हैं, सॉलिड डोर यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। यहाँ पे भी आपको इसका वॉशरूम मिलता है। वॉशरूम में जो आप देख रहे हैं टाइल, इम्पोर्टेड टाइल यूज़ की गई है। और आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर इंस्टॉल करवा सकते हैं कमोड और वेंटी वगैरह। व्यूअर्स, मैं अभी आपको ले चलता हूँ इसके फर्स्ट फ्लोर पे। जो ही हम यहाँ से सामने आपको स्टेयर्स मिल रही हैं फर्स्ट फ्लोर की। फर्स्ट फ्लोर के लिए अगर हम स्टेयर्स की बात करें तो स्टेयर्स बहुत अच्छी, मतलब अगर फर्ज की यहाँ पे आप जो सामान ऊपर लेके जाते हैं काफ़ी स्पेस दी गई है। इस साइड पे आपको ये देख सकते हैं खूबसूरत डिज़ाइन मिल जाता है। यहाँ पे ऊपर आपको एक विंडो इंस्टॉल मिल जाती है। इस साइड पे आप देख रहे होंगे आयरन की वॉल साथ यूज़ की गई है। फर्स्ट फ्लोर पे जो ही मैं इंटर होता हूँ, अगर हम इस साइड पे आपको इसके स्टेयर्स मिल जाती हैं ऊपर छत की तरफ। बात करें डिज़ाइन सेम एक जैसा ही है। यहाँ पे आपको इसका टीवी लाउंज मिलता है। नीचे आप देख रहे होंगे पेपर, अभी ऊपर पेपर उतारा हुआ है। टीवी लाउंज इंस्टॉल कर सकते हैं यहाँ पे आप सामने। आप ऊपर इसके शैंडिलियर फ़ैन अपनी मर्ज़ी से इंस्टॉल करवा सकते हैं, जिस कंपनी के करवाना चाहें। इस साइड पे आपको 2 विंडो मिल जाती हैं। और अगर आप इसे सेपरेट करना चाहें तो सेपरेट सामने वॉल लगा के सेपरेट भी बेडरूम कर सकते हैं। इस साइड पर आपको इसका वाशरूम का एरिया मिल जाता है फुल हाइटेड। आपको यहाँ पे कबर्ड्स मिल जाती हैं, जो अच्छी शीट यहाँ पे यूज़ की गई है। डिस्क्रिप्शन में आप दोस्तों को हम इसकी डिटेल सारी बता देंगे। इस साइड पे हम आते हैं तो यहाँ पे आपको इसका वॉशरूम का एरिया मिल जाता है। इस वॉशरूम में भी विंडो इंस्टॉल है, बाकी एग्जास्ट फैन, कोई भी वॉशरूम में आप कमोड इंस्टॉल कराना चाहें, वेंटी इंस्टॉल कराना चाहें, वो आप बाद में अपनी मर्जी से किसी भी कंपनी का करवा सकते हैं। इस साइड पे अगर मैं आता हूँ तो इस सामने आपको यहाँ पे इसका मिल जाता है टेरेस का व्यू। टेरेस की बात करें तो आप दोस्त देख रहे होंगे काफ़ी अच्छी स्पेस दी गई है। यहाँ पे बैठ के चाय पिए, कॉफ़ी पिए, आप चिल कर सकते हैं। तो साथ ही अगर हम आ जाते हैं इसके किचन की तरफ, आप दोस्त देख रहे होंगे किचन सेम ऊपर और नीचे एक जैसा किचन बनाया गया है। व्यूअर्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें अभी इंस्टॉल नहीं हुई, वो आप अपनी मर्ज़ी से करवा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर और नीचे केबन एक ही स्टाइल में बनी हुई हैं। अगर हम इस शीट की बात करते हैं, इसमें फ़ायदा आपको ये है कि आप देख रहे होंगे ये यहाँ से आप नीचे भी कोई मतलब चीज़ आसानी से यहाँ से नीचे रख सकते हैं अगर एक केबन आप खोलते हैं। तो केबन की अगर हम बात करें, ये जो केबन यहाँ पे इंस्टॉल की गई है, हाई ग्लास शीट यूज़ की गई है। सामने आपको एक यहाँ पे इसका डोर बाहर वाला मिल जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे, सबसे मज़े की बात यह है कि आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे काफ़ी काम करवा सकते हैं। साथ ही आपको 2 डोर मिल जाते हैं बेडरूम के। सामने जो ही हम इंटर होते हैं आपको यहाँ पर इसका बेडरूम मिल जाता है। बिग साइज विंडो इंस्टॉल मिलती है आपको। इस साइड पे फुल हाइटेड कबर्ड्स इंस्टॉल मिलती हैं। इस कबर्ड पे आप देख सकते हैं ऊपर पेपर उतारा हुआ है। यहाँ पे आपको इसका मिल जाता है सामने डोर और इस साइड पे इसका वॉशरूम। अगर हम वॉशरूम की व्यूअर्स बात करें तो यहाँ पे वॉशरूम में सेम एक ही टाइल यूज़ की गई है और आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर काम करवा सकते हैं, कमोड इंस्टॉल करवा सकते हैं किसी भी कंपनी का जो आपको समझ आए। तो यहाँ से साथ ही मैं इसके बेडरूम में इंटर हो जाता हूँ। इस बेडरूम में हम जो ही इंटर होते हैं सामने सॉलिड डोर आपको मिल जाते हैं। और
जो है इसमें इंटर होते हैं, इंटर होते ही आपको यहाँ पे एक बिग साइज विंडो इंस्टॉल मिल जाती है। इस साइड पे आपको फुल हाइटेड कबर्ड्स इंस्टॉल मिल जाती हैं। अगर हम यहाँ पे जितने भी बेड देखें तो सभी बेड में स्पेस काफ़ी अच्छी दी गई है। नीचे आप फ्लोर पे टाइल दे सकते हैं, खूबसूरत टाइल यूज़ की गई है और साथ ही आपको इसका वॉशरूम मिल जाता है। वॉशरूम में जिस तरह जिस दूसरे वॉशरूम मैंने आप दोस्तों को बताए तो सेम एक ही यहाँ पे भी आप अपनी मर्जी से काम करवा सकते हैं। विंडो इंस्टॉल है और नीचे आप देख सकते हैं इसका फ्लोर। व्यूअर्स अभी मैं कोशिश करता हूँ कि आप दोस्तों को ऊपर ले चलता हूँ, इसकी छत का एरिया भी दिखा देता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं ऊपर छत की तरफ हम जा रहे हैं, सामने आपको विंडो इंस्टॉल मिल जाती है और ऊपर यहाँ पे आपको इसका या आप इसका देख सकते हैं ऊपर। यहाँ ऊपर का व्यू आप देख सकते हैं, इस साइड पे आपको इसका सर्वेंट रूम मिल जाता है और अगर हम बात करें तो पीछे आप देख सकते हैं आपको नज़दीक तीन कमर्शियल भी मिल जाता है। मैं आपको इसका फ्रंट का व्यू भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको इसका सर्वेंट रूम मिल जाता है, ये सामने आप इसकी स्ट्रीट व्यू देख सकते हैं।